तो आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो गाइस आज हम फिर से खेलने वाले हैं मैक अरेना। तो गाइस आज हमारे पास आया है एक चैलेंज जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें दिया है। एक चैलेंज जो कि वो चैलेंज है कि हमें जो है हम किल शॉट के ऊपर लॉन्ग रम 10 है उसको यूज़ करना है। तो चलो तो हम लॉन्ग रम को लगा देते, लॉन्ग रम 10 को। ये रहा लॉन्ग लॉन्ग रम लॉन्ग आर्म 10, इसको लगा दे दे। तो यहाँ पर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैं उसका आपको कमेंट बताया था कि कल किन किन लोगों ने हमें आंसर किया है। तो यहाँ पर ये आया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहला कमेंट किया है अल्टीमेट ने। उन्होंने कहा है शैडो लेंसर किलशॉट, मतलब कि सवाल ये था कि सबसे फास्टेस्ट मैक कौन से कौन है या फिर सबसे फास्टेस्ट मैक कौन है। तो इन भाई साहब ने कमेंट किया है शैडो लेंसर किलशॉट। हाँ भाई मैं भी एग्री करता हूँ, ये तीनों बहुत फास्ट है। उसके बाद कुश दास सीधा ने कमेंट किया है शैडो इज़ फास्टेस्ट मैक। हाँ भाई। और उसके बाद रंजन कुमार ससमल ने कमेंट किया है प्लीज़ सेंड मी इनवाइट, माई आईडी इज़, आप देख सकते हो आईडी उनकी। तो मैंने उनको इनवाइट भेज दिया है, आप भाई अगर आप देख रहे हो तो एक्सेप्ट कर लेना। उसके बाद जिया शर्मा ने कमेंट किया है 8KM इज़ शेडो एंड किल शॉट एंड नाइस, मतलब कि शेडो की स्पीड 8KM है, मतलब कि वो सबसे फास्ट है। उसके बाद जिया शर्मा ने आंसर किया है आंसर इज शेडो। उसके बाद गौरव पाटिल ने कमेंट किया है नियर अर्थ इज कंप्यूटर नॉट पर्सन। हाँ तो भाई जो ये वीडियो था इससे पहले वाले का उसमें एक नियर अर्थ था, तो आपने वीडियो नहीं देखा तो आपने जो कमेंट कर देना। उसके बाद इन्होंने कमेंट किया है आंसर इज स्किल शॉट। तो आप एक उसके बाद चैलेंज, तो ये हम चैलेंज जो करें वो इनकी वजह से इन्होंने कमेंट किया है गौरव पाटिल ने चैलेंज लॉन्ग आर्म 10 ऑन किल शॉट प्लीज़ एक्सेप्ट माई चैलेंज। तो भाई एक्सेप्ट कर चुका हूँ। उसके बाद आरुष उप्रेती ने कमेंट किया है आंसर किल शॉट। तो गाइस ऐसे में आप आज का सवाल ये है गाइस, चलो भाई सेंड करो रिक्वेस्ट मुझे। तो गाइस आपको आज का सवाल ये है कि जो है आपका सबसे फेवरेट वेपन कौन सा है, आपका फेवरेट ये कौन है भाई, कौन हो भाई। यहाँ पर देखते कौन कौन ऑनलाइन है। वैसे मैं आज एक सब्सक्राइबर के साथ खेलने वाला था, तो फिर चलो। और गाइस हम जो है टूर्नामेंट नहीं खेलने वाले, इसमें हम क्विक मैच खेलने वाले, बस क्विक मैच, मतलब कि टीम मैच, क्योंकि ये लॉन्ग क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्योंकि हम तो किल शॉट के ऊपर लॉन्ग राउंड को यूज़ करना बहुत मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। तो मेकिंग वीडियो नाउ। तो लेट्स स्टार्ट बैटल। तो चलो बैटल को शुरू कर दिया। तो हमारे साथ जैनिस भी है गाइस। और गाइस ये अगर आप चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर दे, आपका अगर आप कोई चैलेंज देना चाहते हो चैलेंज, तो आप सीधे नीचे कमेंट में ही लिख देना कोई भी चैलेंज हो, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा और पूरा पिक करूँगा। तो ये हमारे सब्सक्राइबर गौरंग पाटिल ने दिया है। तो अभी हम लॉन्ग आर्म को यूज़ करेंगे यहाँ पर इधर। तो किल शॉट के ऊपर बहुत मुश्किल होता है। और भाई मैं एक और बात बताना चाहता हूँ जो कि आप लोगों को शायद पता होगी अगर आप इंटरनेट पे हो या फिर आप यूट्यूब पर देखते हो, टिकटॉक देखते हो। तो जो कैरी मिनाटी है उन्होंने एक वीडियो बनाया था टिकटॉक और यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में ऐसा कुछ इन्होंने वीडियो बनाया था। ओ भाई
ये भी नहीं हो रहा। ओ भाई इधर भाई लॉन्ग आर्म को यूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो पैंथर पे अगर होता तो हम बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते। रटो यार रटो। तो फिर गाइस मैं बोल रहा था कि हमारा जो कैरी मिनाटी है यूट्यूबर है जो कि उसने एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो जो है वो हट चुका है, मतलब कि रिमूव हो चुका है। और पता नहीं यूट्यूब ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसने उस वीडियो को और बाकी जो जिन्होंने भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाए, मतलब कि टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो उस पे उसका जो वीडियो है वो सारे वीडियो डिलीट हो चुके हैं। और गाइस यहाँ पर एक और चीज़ हुई है कि यहाँ पर उस वीडियो को मतलब कि पता ये चला कि उस वीडियो को रिपोर्ट मिला है, मतलब कि उस वीडियो को बहुत सारे जो टिकटॉकर्स है या फिर जिनके खिलाफ भी जिनको भी रिप्लाई दिया है कैरी पाई ने या फिर जितने भी यूट्यूबर ने, उन सब ने रिपोर्ट किया है और गूगल में कुछ केस बेस किया है, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो अब मैं तो यही चाहूँगा कि हमारा जो कैरी पाई है और बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके वीडियोस वापस आ जाए, क्योंकि क्योंकि भाई मुझे पता है कि इधर एक वीडियो बनाने में कितना टाइम खोटी होता है। और जब हम इतनी मेहनत से एक वीडियो बनाते हैं उसके बाद वो वीडियो चला जाता है तो कितना बुरा लगता है। तो गाइस मैं तो अपना ओपिनियन बताए तो मैं तो ऑलवेज किसको सपोर्ट करता हूँ, यूट्यूब को, क्योंकि मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ। बाकी आप अपना बताना कि आप किसको सपोर्ट करते हो और आपको क्या सोचते आप क्या सोचते हो इस टॉपिक पर कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक पे, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो अपना ओपिनियन कि वीडियो डिलीट होना चाहिए था अगर आपने वीडियो। और गाइस एक और बात बता दूँ कि मैंने वो वीडियो पूरा देखा था और मुझे पता है कि उस वीडियो पे करीब 12 मिलियन 10 मिलियन लाइक क्रॉस हो चुके थे, 10 मिलियन लाइक्स, और वो वीडियो सबसे ज़्यादा लाइक वीडियो होने वाला था हमारे इंडिया का, इंडिया का नहीं यूट्यूब पूरे वर्ल्ड का होने वाला था, इंडिया का तो हो चुका था सबसे ज़्यादा लाइक वीडियो। तो ऐसा होने वाला था लेकिन एंड टाइम पे ऐसा कुछ हो गया, और मैं तो यही चाहूँगा कि वो वीडियो वापस आ जाए। और अगर गाइस आप सबको पूरी स्टोरी तो पता ही होगी कि क्या चल रहा है, कि क्या चल रहा है कि यूट्यूब पे आपको पूरी स्टोरी पता होगी अगर आप YouTube देखते हो। अगर आप नहीं देखते हो तो सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा YouTube वर्सेस TikTok, तो आप सर्च कर सकते हो। ऐसा एक कौन है कौन है। तो यहाँ पर जो है इस चैलेंज हमने पूरा कब का कर लिया, जो कि हमने लगाया था किल शॉट पे लॉन्ग आर्म टेन, तो वो एक जो लॉन्ग आर्म टेन है वो किल शॉट पे यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि जो किल शॉट है वो एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, एकदम स्थिर नहीं रह सकता है। और जो पैंथर और पैरागॉन या फिर जगरनेट ऐसे जो है वो एकदम एकदम स्ट्रेट खड़े थे, जिसकी वजह से उनका एम जो है वो बहुत परफेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो है लॉन्ग किल शॉट है उसके ऊपर एम करना बहुत मुश्किल है, उसके ऊपर मिसाइल रैक और आरपीजी और जेवलिन ये सब शूट करता है। तो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सवाल का जवाब दे देना जो कि है कि आपका सबसे फेवरेट मैच कौन सा है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना जवाब। और गाइस यहाँ पर देखते जाओ क्या मिलता है, देखते जाओ इतना। और गाइस वीडियो को लाइक तो करना ही, हम 10 मिलियन लाइक तो नहीं कर सकते लेकिन आपसे जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। और आपको अगर कोई चैलेंज हो तो वो भी नीचे कमेंट कर देना। और गाइस मैं मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में।